टावर को देखा तो समझ आ जाएगा। तो हे गाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज की वीडियो में देखो अभी टाइम 2 बज रहे हैं, थोड़ा लेट हो गया निकलने के लिए, बट ये एक बस टर्मिनल के अंदर बैठा हुआ था मैं भी। और हमारा एक यहाँ पे लेक के एक पोर्ट क्रेडिट करके एक जगह है, मतलब यहाँ क्या है जैसे जो GTA रीजन है ना, इसके आसपास पूरी लेक है, एक बहुत बड़ी लेक है यहाँ पे। मैं नाम तो मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं उसका, पर उसके अलग अलग जगह पे मतलब टोरंटो साइड पे भी अलग व्यू दिखता है और मिसिसागा से अलग दिखता है, ब्रांटन साइड से भी वो कनेक्ट है, तो मतलब वो काफ़ी अच्छा एक पूरा उधर एक जगह है। तो वहाँ घूमने जा रहा हूँ मैं, मतलब ऐसे ही एक्सप्लोर करने के यार, अभी तो टाइम है, अभी यहाँ पे कुछ इन दिनों कुछ करने को ज़्यादा है नहीं, तो बस फिर वो ही देख रहा था। और अभी एक बस की टर्मिनल पे बैठा हूँ, ये देखो ऐसा टर्मिनल है, यहाँ हीटिंग वीटिंग भी रहती है इनमें सर्दियों के हिसाब से। तो बस अभी यहाँ से एक बार बस आ जाए फिर आगे चलता हूँ, 2 बस चेंज करके जाना है, दिख जाएगी ऐसे आता है, मेरा अभी तो आई। यहाँ अभी क्या बस अभी आई नहीं है, 15 मिनट बता रहे हैं। पर यहाँ पे क्या है कि जैसे जो गूगल अपन जैसे गूगल मैप्स वगैरह यूज़ करते हैं ना, तो वो बहुत ज़्यादा एक्यूरेट होता है बस का, मतलब आपको 1-1 मिनट का डिले भी होगा ना तो यहाँ पे आ जाता है। मैं मतलब आपको दिखा नहीं सकता, कोई ऑफ़ होता तो दिखाता, तो 1-1 मतलब क्लैरिटी आ जाती है बस की कि कहाँ आ रही, कब, कैसे। तो देखो इधर ही ये वाला सारा स्क्वायर वन मॉल है, मैंने आपको पहले भी नीचे से दिखाया था ना कि ये बस टर्मिनल और मॉनसन उन रो, बस अब यहाँ पर बस आएगी, 2 नंबर की बस है, 2nd नंबर वाली, फिर 7-8 स्टेशन बाद वो आ जाएगा। देखो इनका सिटी ट्रांजिट का भी सही है, यहाँ से आ जाओ और मतलब कहीं भी जा सकते हो, टोरंटो भी जा सकते हो अब यहाँ से, मिसिसागा में कहीं भी जाना हो आपको, ब्रैम्पटन भी जाना हो, तो ये एक अच्छा सिस्टम है इनके यहाँ का। ये क्लीन भी है काफ़ी, ऐसा नहीं है कि गंदा मंदा सा हो, साफ़ सुथरा, जो कि एक अच्छी बात है। तो जो फर्स्ट डेस्टिनेशन है जो पोर्ट क्रेडिट है ये जगह, और देखो इसका व्यू दिखाता हूँ आपको, ये देखो देखो कितना सुंदर है, तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे ओशन है, बट ये है लेक, बहुत ही बड़ी लेक। और ये देखो इस साइड ये एक शिप भी खड़ी है, और इधर ये प्राइवेट यॉट है, बहुत सुंदर लग रहा है वो, तो बहुत ठंडी सी हवा है, एकदम नीला पानी। उधर भी देखो कुछ ये है प्राइवेट, मतलब ये यॉट टाइप, काफ़ी सुंदर जगह, लोगों के घर हैं इस साइड, देखो सीधा मतलब ये जिनके घर हैं तो ये सीधा यहाँ से अपने वॉक करके इधर आ सकते हैं, इनके लिए कितना सही है यार, एकदम क्लीन है जगह। तो वही बतखी निकल के यहाँ तक आ गई, ये खाने पीने कितना सही है यार, ये जो लोग यहाँ ही पास में रहते हैं उनके लिए कितना प्यारा है। देखो इधर कितने सारे जहाज वगैरह भी चल रहे हैं, पता नहीं क्या चल रहा है, आवाज़ भी आ रही है काफ़ी, वो देखो वो कितनी तेज़ वाली स्पीड बोट आ रही है, देखो बड़े बड़े इंजन लगा देते हैं, इसकी कितनी तेज़ आवाज आ रही है, शायद रेसिंग चल रही है। बस अब यहाँ से नेक्स्ट वाली एक और एक जगह है, एक इसी लेक के दूसरे शोर पे जाने का है, मतलब उस साइड वहाँ पे एक ब्रिज है, आग ब्रिज है कोई, वो भी काफ़ी कहते हैं बहुत सुंदर है। तो यहाँ पे क्या ना कल्चर बहुत ज़्यादा है इन चीज़ों का, तो ये फिर आज संडे है यहाँ पे, तो ये अपनी अपनी खुद की बोट्स ला के, और फिर यहाँ मतलब इनके मानने देखा ये गाड़ियाँ कैसे बड़ी बड़ी होती हैं, मतलब पीछे अपना डालेंगे बोट या वो ट्रेलर पर ले कर, फिर यहाँ से आराम से संडे ये इन्हीं पर पिकनिक्स मनाते हैं, सब करते हैं, क्योंकि मेरे को आज बताया यहाँ पे किसी ने कि ये आज क्योंकि संडे है इस वजह से जितनी भी मेजॉरिटी दिख रही है कोई फिशिंग विशिंग वाले नहीं, ये लोग ही हैं खुद का है, तो देखो यार अच्छी है यहाँ पे, देखो कितने ये सारे ये पिकनिक विकनिक वाले हैं, पर कम हो गए अब तो, पहले तो बहुत ज़्यादा थे। और देखो ऐसा पूरा रास्ता बन रखा है लेक के आसपास, बस घूमने फिरने के लिए, ये देखो अलग माहौल बना रखा है, देखो ये अलग मजे ले रहे हैं, क्या देखो सही मॉल बना रखा संडे का इन्हें यहाँ। तो देखो मैं कह रहा था ना ऐसे, देखो ये नाव लेके जाते हैं, देखो अपना बढ़िया नाव चप्पू और खुद ही घूमते रहो लेक में। ये देखो ये भी लोकेलिटी देखो यहाँ पे कितनी अच्छी है,
ये देखो इधर हाई राइज एक है और वहीं लेक का व्यू। ये उसी लेक के एक अलग पार्ट में आ गया हूँ मैं, तो देखो बढ़िया है। और वो देखो सामने लेक दिख रही है, वहाँ जाके और दिखाता हूँ आपको अच्छे से। ये देखो सारे रास्ते में कितने बड़े बड़े फूल वूल लगे हैं, मैं तो लगा देखा पार्क है पूरा ये यहाँ पे, तो कितने लोग हैं, संडे है इसलिए। तो ये देखो ये यहाँ से व्यू है और ये इधर ये भी इनकी पूरी हाई राइज वगैरह। अभी हम जो थे मतलब उस साइड पे थे पहले जो पोर्ट क्रेडिट नाम है उसका, वो उस तरफ था और इधर आ गया। और ये देखो ये पूरी लेक है और देखो यहाँ से पूरा टोरंटो का आपको जो स्काई लाइन है वो दिखती है, इस टावर को देखकर आपको समझ आ जाएगा। और ये पूरा का पूरा ऐसा ही है, यहाँ लोग कितने सारे लोग हैं और ये पूरा ऐसा ना लेक के साथ साथ पूरा रास्ता है दोनों साइड पे, घूम के वो वहाँ तक भी जा सकते हो। देखो लोग घूम रहे हैं, देखो वो घूम रहे हैं, तो मतलब ये पूरा काफ़ी लंबा वॉक है इधर आप कर सकते हो। और देखो ये कितना अच्छा व्यू लग रहा है। तो ये देखो जो मैं कह रहा था ना लोग, ये देखो ऐसे ला के ये बढ़िया तैर रहे हैं यार, यहाँ हो रहा है काफ़ी है। अभी जब मैं यहाँ आ रहा था ना, मतलब यहाँ से जब जो वॉक थी थोड़ी सी, तो यहाँ पे देखा था बहुत सारे लोगों ने गाड़ियों से निकाल के इनमें अपने टायर इन्फ्लेटर से ना इसमें सब में हवा भर के बढ़िया नाव तैयार कर रहे हैं। अभी इनका हो गया लगता है, ये निकल रहे हैं वहाँ से, बढ़िया है। यहाँ से आप ये साइकिल रेंट पर ले सकते, देखो लोग इधर काफ़ी सारे लोग हैं जो साइकिल कर रहे हैं आस पास पूरे रास्ते में, इधर आप जॉगिंग वगैरह भी कर सकते हो। और देखो ये है हम्बराग ब्रिज, काफ़ी सारे लोग इधर जॉगिंग वगैरह कर रहे हैं। ये देखो दोनों साइड लेक को कनेक्ट करते हुए है, इधर भी देखो बोटिंग वगैरह कर रहे हैं लोग। और ये हम्बराग ब्रिज है, देखो उधर काफ़ी सारा ट्रैफिक भी जा रहा है। अभी उस साइड थे अपन, यहाँ पे ये ट्रेल काफ़ी लंबी है यहाँ पे, मतलब काफ़ी सारी जगह आप घूमने जा सकते हो। और ये बाइसाइकिल लेके जैसे ही सारे लोग चला रहे हैं, ज़्यादा तो खुद की चला रहे हैं, बाकी कई लोगों ने ये भी ले रखी रेंट पे। आई थिंक इसका शायद $1.5 की होगी मेरे ख्याल में। देखो आप लोगों को दिखाता हूँ, ये ऐसा कार्ड बनता है यहाँ पे, ये मेरा प्रेस्टो का कार्ड है। इसको बस जैसे ही बस में आप आओ तो उसको वहाँ पे वो दिख रही वो स्क्रीन अभी बोरी देखो बोरी, हाँ तो उस पर बस टैप करो और आपको ज़्यादा, जैसे मैंने इसमें मंथली पास लिया है तो मंथली का मेरे को $120 पड़ा था। अब मैं मंथ में इसमें ट्रैम में और ट्रेन में वैसे सागर के आराम से मैं कहीं भी ट्रैवल कर सकता हूँ जितना भी चाहूँ। और जो ये वाला है अपना जो नॉर्मल होता है तो वो $3.5 या $4.5 करता है, फिर $3.5 में आप 2 घंटे आप फ्री में जहाँ मर्जी घूम सकते हो। बस अभी फिर ये एक बस ये है, फिर इसके बाद एक और चेंज करनी है बस, उसके बाद एक और बस चेंज करनी है, फिर स्क्वायर वन पहुँचूँगा, फिर स्क्वायर वन से थोड़ा सा सामान ले कर फिर पैदल घर चला जाऊँगा। खाली पड़ी है बस ये वाले रूट का, तो पूरी लेक है पीछे के साइड, पूरी लेक है। पर अच्छा है, काफ़ी क्लीन सिस्टम है, इनके बसेस वगैरह करते हैं गंदगी ना गई है। तो देखो ये एक ट्रांजिट सेंटर है, यहाँ पे ट्रैम का भी और बस का भी। अब यहाँ से सेकंड बस लेनी है, तो बस अभी एक बार एक बस चेंज करनी है एक और, एक स्टॉप पे तो आ गया और बस अब फिर घर पहुँच जाऊँगा घंटे भर में। बस और एनर्जी बची है नहीं, कितने बज गए, 7 बज गए। अभी भी देखो धूप कितनी है यहाँ पे। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, और वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। और मैं आगे और भी कुछ प्लान्स मैंने किए हैं कि और मिसिसागा में और टोरंटो और नायग्रा वगैरह जाने का भी प्लान है, तो वो जैसे जैसे आएगा मैं वीडियो उसके बारे में डालता जाऊँगा। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो और सब्सक्राइब करना मत भूलना। टिल देन बाय, टेक केयर।